हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में फिर से बात करने वाला हूँ लिपिक वेतन विसंगत के बारे में, मध्य प्रदेश लिपिक वेतन विसंगत। दोस्तों, मैं कैमरे के सामने कोई एक्टिंग नहीं करता, मैं पहले से कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखे रहता, बल्कि डे टू डे लाइफ में जो मुझे यहाँ फील होता है वर्क प्लेस पे एंड आउटसाइड भी, तो मैं उसी को बयां करता हूँ। जितना वर्कलोड इंसान को रहता है, जितना काम करता है, जिस आस्था के साथ काम करता है, लगन के साथ काम करता है, और बदले में उसे क्या मिलता है, तो मैं इसी को शेयर करता हूँ। साथ में अगर मैं संज्ञा देता हूँ, अगर मैं पुकारता हूँ सरकार को, गवर्नमेंट को, तो मेरा उद्देश्य उसे डिमीन करना या उससे विरोध नहीं है। अगर मान लीजिए आपके घर में आपको कोई तकलीफ हो रही है, आपको बहुत समस्याएं हो रही हैं, तो आप किसके सामने रोएंगे? आप अपने अभिभावक के सामने रोएंगे, पेरेंट्स के सामने रोएंगे? तो यही सेम एप्लीकेबल होता है हमारे साथ। हमें समझ नहीं आता कि हम किससे अपनी बात करें, क्योंकि जहाँ हम वर्क करते हैं या फिर आसपास, क्योंकि हम किसके सामने कोई भी बात करेंगे तो वो समझेगा नहीं। अगर समझता भी है तो कर कुछ ना पाएगा। इसलिए जो कर सकता है, जो हमारा अपना है, सरकार हमारी अपनी है, हम आपके लिए काम करते हैं, तो प्लीज़ आप लिपिक वेतन विसंगत दूर कराइए। लिपिक वेतन विसंगत हमने कितने सारे वीडियोज में, 100 से ज़्यादा वीडियोज हैं, मैंने एक एक पॉइंट्स के बारे में बात किया है। लीजिए मैं फिर से आपके सामने ये फ्लैश करा रहा हूँ, जो विसंगति है 1981 के बाद से लिपिकों की हालत बहुत बद से बदतर होती गई है। स्टाफ नर्स जो कि आज 2800 ग्रेड पे पा रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट, वो लिपिक से कम वेतन पाया करते थे। तो अब आप सोच लीजिए कि कुछ इस टाइम में, अब 16 के बाद से आज कितने 6 साल बीत गए, इसी तरह से टाइम बीतता जाता है और लिपिकों की दुर्दशा बढ़ती गई। तो यही है, अगर आज हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, अगर आज हम अपने दर्द को सरकार के सामने नहीं रखेंगे ओपनली, तो कल को हमारे लिए और घातक होगा। देखिएगा हालात कैसे हैं। हालात ऐसे हैं कि हम लिपिक, हम समझदार हैं, हम सरकार के लिए काम करते हैं, हम उसके लिए काम करना चाहते हैं ईमानदारी के साथ। लेकिन होता क्या है, यहाँ ईमानदारी की कोई अहमियत नहीं है। हमसे कोल्हू की बैल की तरह काम कराया जाता है, बदले में इतना कम पेमेंट रहता है लाइक ए प्यून। तो हमें इसी वजह से प्यून के समकक्ष समझा जाता है या प्यून के जैसा ट्रीट करने की कोशिश किया जाता है। वो तो बात है, हमारे कुछ ऐसे आदर्श लिपिक साथियों की, जिनको देखकर मैं समझ पाया कि अन्याय के खिलाफ बोलना ज़रूरी है। और होता है बहुत सारे क्लेरिकल स्टाफ नहीं बोल पाते कई सारी वजहों से, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो क्लेरिकल स्टाफ एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, उसकी योग्यता और आज आप 8वीं 5वीं पास जो प्यून आता है उनकी योग्यता में फ़र्क समझिए। आज जो क्लेरिकल स्टाफ डायरेक्ट भर्ती के थ्रू आता है, अब तो ग्रेजुएशन कर दिया गया है, प्लस डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा, PGDCA, कुछ में DCA, CPCT, तो ये कोई कम नहीं है। अब CPCT एक मतलब 2 ईयर एग्जामिनेशन जैसा है, तो इसीलिए काफ़ी टफ वो प्रोसेस से गुजर के आता है। और जो बोलते हैं कंप्यूटर पीटना होता है, फट फट आ गए CPCT लेके, तो देखिएगा जो करप्शन करते होंगे, जो भ्रष्टाचार करते होंगे, उनकी बात है। जो मेहनत से CPCT पास करता है, कोई ऐसे एग्जाम क्रैक करता है, तो आप उनकी जगह पे, आप जो ऐसा बोलते हैं उनको बैठा के एक बार देख लीजिए। तो हम बोलने के काबिल भी नहीं रह जाते, हम जो आपके सामने बोल रहे हैं कई बार हम ये बोल भी नहीं पाते, क्योंकि होता क्या है, हमारा सम्मान, जो हमारा स्टीम रहता है, वो इस बात से जुड़ा रहता है कि हम कितना पेमेंट पा रहे हैं। हमारे काम की कोई अहमियत नहीं है। और डेली लाइफ में तो मैं देखता ही हूँ, यहाँ पे कई बार आत्मसम्मान बचाने के लिए इंसान को गुस्सा होना पड़ता है, शांत चुप्पी बांध लेनी पड़ती है। और इस दर्द को शायद लिपिक साथी समझ पाएगा जो ऐसे दौर से गुजर रहा है। देखिएगा रास्ते और सारे हैं, दुनिया बहुत बड़ी है और इंसान आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़कर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो अन्याय, जो अत्याचार हो रहा है आज लिपिक के साथ, मध्य प्रदेश लिपिक के साथ, वो बर्दाश्त से बाहर है, वो अनैतिक है, इंसानियत के परे है। इसीलिए मेरा निवेदन है सरकार से, जो हमारा पेरेंट है, हमारा अभिभावक है, हम उसी के चाइल्ड हैं, कि प्लीज़ आप हमारे साथ न्याय करिए, लिपिक वेतन विसंगति दूर करिए।